नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बीजेपी का साथ छोड़ महागठबंधन की सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार पर जनादेश का निरादर करने और जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को दावा किया कि बिहार में जंगल राज फिर से लौट आया है और राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मुजफ्फरपुर जिले के पारू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने केंद्र सरकार की ओर से बिहार में किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी और उसके कार्यकर्ता इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उसमें अड़ंगा लगा दिया है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नड्डा पहली बार बिहार आए थे। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार और अन्य अपराधों के बारे में सुने बिना एक दिन नहीं जाता है और राजद के साथ उनके यानी कि नीतीश के गठबंधन का मतलब जंगल राज है और बिहार में जंगल राज आ चुका है और राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बिहार में प्रजातंत्र के खत्म हो जाने का आरोप लगाते हुए नड्डा ने कहा कि उनके नीतीश के तेजस्वी यादव के साथ ही महागठबंधन जो है उसका मतलब जंगल राज की वापसी है और अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार की सरकार में शासन कौन कर रहा है और यही नहीं पता चल रहा है कि किसका शासन है और कौन सा सुशासन कर रहा है। और इसके साथ ही बिहार की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। बिहार में प्रशासनिक दृष्टि से व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं और केंद्र सरकार की कोशिश के बावजूद बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने ही नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसको लेकर बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। नड्डा ने यह बयान दिया है। बता दें आपको कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, ऐसा कहा है और बिहार में प्रजातंत्र के खत्म हो जाने का आरोप लगाते हुए नड्डा ने यह भी कहा कि उनके तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन का मतलब जंगल राज की वापसी है और अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सुशासन बाबू की सरकार में शासन कौन कर रहा है और यही नहीं पता चल रहा कि किसका शासन है और कौन सा सुशासन है। बिहार की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और बिहार में प्रशासनिक दृष्टि से व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं और केंद्र सरकार की कोशिश के बावजूद बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए कंझावला सड़क हादसे में मृतका अंजलि सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी खोपड़ी खुल गई थी और सिर की हड्डियां टूट गई थी और पसलियां छाती के पीछे की ओर निकल गई थी और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टरों के पैनल ने ही अंजलि सिंह के शव का परीक्षण किया था और अंजलि सिंह की ऑटोपसी रिपोर्ट में बताया गया है कि सिर, रीढ़ और बाई जांघ की हड्डी और दोनों फेफड़ों में गंभीर चोटों की वजह से शव की यह हालत हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सदमे और ज्यादा खून बहने की वजह से अंजलि सिंह की मौत हुई है और इसी तरह की 40 गंभीर चोटों का अंजलि सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें जानकारी बताई गई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ लगी इतनी चोटें सामान्य तौर पर मौत की वजह बन सकती हैं। हालांकि सिर, रीढ़ की हड्डी और लंबी हड्डियों के अन्य चोटों की गंभीरता भी मौत का कारण बन सकती हैं। सभी चोटें तेज गति से हुई टक्कर और घसीटे जाने की वजह से लगना संभव है। हालांकि अंतिम रॉय केमिकल एनालिसिस और बायोलॉजिकल सैंपल की रिपोर्ट मिलने के बाद ही की जाएगी। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 40 चोटें दर्ज की गई हैं और जिनमें से ज़्यादातर घाव और खरोंच के हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अंजलि का ब्रेन मैटर गायब था और दोनों फेफड़े साफ नज़र आ रहे थे और इन सब के बीच ही दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अंजलि के शरीर पर कोई भी ऐसा घाव नहीं था
और जो यौन उत्पीड़न की ओर इशारा कर रहा हो। बता दें आपको कि अंजलि की मौत की बीते रविवार 1 जनवरी को हुई थी और घर लौटते वक्त एक कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी थी और उनका शरीर कार में फंस गया था। कार सवारों ने कई किलोमीटर तक उनके शरीर को घसीटा था जिसके चलते उनकी मौत हो गई थी। जिस समय अंजलि का शव बरामद हुआ था उनके कपड़े फटे हुए थे और पीठ बुरी तरह से छिली हुई थी। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार अंजलि को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है परिजनों द्वारा और परिजन लगातार आरोपियों पर गंभीर आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि नववर्ष पर यह घटना जो है 31 तारीख की बताई जा रही है। 31 तारीख की रात को यह घटना को अंजाम दिया गया था। समय करीब 2 बजे का बताया गया है। इसमें आपको बता दें कि इसी तरह से जो चोटें आई हैं उसमें 40 गंभीर चोटों का अंजलि सिंह की रिपोर्ट जो है उसका जिक्र किया गया है और रिपोर्ट में ये भी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ लगी इतनी चोटें सामान्य तौर पर मौत की वजह बन सकती है। हालांकि सिर, रीढ़ की हड्डी, लंबी हड्डियों और अन्य चोटों की गंभीरता भी मौत का कारण बन सकती है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार कई पदों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष भर्ती परीक्षा सुनिश्चित करेगी। एक बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि हिमाचल में नौकरियों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने हाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में जनादेश पर कांगड़ा जिले के लोगों को धन्यवाद देने के लिए धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में आयोजित जन आभार रैली को किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत ही प्रश्न पत्र बेचने का अड्डा बन गया है और था सीएम सुखू ने यह भी कहा है कि हमारी सरकार ने साहसिक फैसला लेते हुए आयोग का कामकाज को निलंबित कर दिया है। उन्होंने दोहराया कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिन 10 गारंटियों का वादा किया गया था उन्हें चरणबद्ध तरीके से ही लागू किया जाएगा। बता दें आपको कि हाल में हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग से आईटी का पेपर लीक होने के बाद आयोग की फंक्शनिंग को सस्पेंड कर दिया गया था और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस फैसले की हिमाचल की जनता ने जमकर तारीफ की थी। और एक प्रेस वार्ता को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार की सूझबूझ के चलते पेपर लीक करने वाले लोगों का भंडाफोड़ हुआ था। सुक्खू ने यह भी कहा कि उन्होंने 12 दिसंबर को ही पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षाओं के दौरान सक्रिय रहने के निर्देश भी दिए थे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू का बयान सामने आया है और हिमाचल में नौकरियों की बिक्री नहीं होने देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान है। आपको ये भी बता दें कि हाल में ही हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का पेपर लीक होने के बाद आयोग की फंक्शनिंग को सस्पेंड कर दिया गया था और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस फैसले की हिमाचल की जनता ने जमकर तारीफ भी की थी। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार की सूझबूझ के चलते ही पेपर लीक करने वाले लोगों का भंडाफोड़ हुआ था। सुक्खू ने कहा कि उन्होंने 12 दिसंबर को ही पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षाओं के दौरान सक्रिय रहने के भी निर्देश दिए थे। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव हुआ है। आपको बता दें कि दार्जिलिंग जिले के ही फांसीदेवा एरिया के पास से न्यू जलपाईगुड़ी की ओर जा रही रेल के C3 और C6 कोच पर पथराव फेंकने की खिड़की पर शीशा टूटने की मामला जो है वो सामने आया है और ये भी जानकारी रेलवे सुरक्षा बल ने बुधवार को दी है। रेलवे को वंदे भारत एक्सप्रेस को मंगलवार को ही शाम 6 बजे के करीब चेक करते वक्त पता लगा कि पथराव हुआ है। इसको लेकर अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है और आपको बता दें फिलहाल अभी किसी के घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। 2 दिन में ये दूसरी घटना है। हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाए जाने के कुछ दिन बाद ही यानी कि सोमवार को
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में पथराव किया गया और इसको लेकर रेलवे के एक अधिकारी ने बताया था कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। मालदा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर कुमारगंज रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन पर यह पथराव किया गया और इस घटना में आपको बता दें कि इसको लेकर वंदे भारत एक्सप्रेस के डिब्बा संख्या C13 का शीशा टूट गया है। और अधिकारी ने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को शाम करीब 5:10 पर हुई और बता दें आपको कि ट्रेन को बीच रास्ते में नहीं रोका गया, यह मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर अपने तय कार्यक्रम के तहत ही रुकी और मालदा टाउन रेलवे स्टेशन राजकीय रेलवे पुलिस के IC प्रशांत राय ने बताया है कि रेलवे सुरक्षा बल मामले की जाँच कर रहा है। राजधानी में किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 साल की किशोरी को दोस्तों ने ही झांसे में लेकर अपने घर बुलाया और 4 लोगों ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया और जिसके बाद ही उसके पास से मंदिर में किशोरी को छोड़ दिया था। मामला सोमवार की शाम का बताया जा रहा है और लड़की पटना के ही बाईपास थाना क्षेत्र के सती चोरा के पास रहने वाली है और इसी इलाके की रहने वाली 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा कोचिंग के लिए निकली थी और वो पूरी रात घर नहीं आई। इधर परिजन काफ़ी खोजबीन करने लगे और मंगलवार की सुबह सुबह थाना में जाकर गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया। इसके बाद ही अचानक से परिजनों को सूचना मिली कि शनि मंदिर के पास एक लड़की बेसुध पड़ी है और जब परिजन और पुलिस वहां पर गए तो परिजनों ने अपनी बेटी को पहचान लिया। वो अपने परिजनों को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते उसने जो बातें बताई हैं वो दिल दहला देने वाली है। पीड़िता के अनुसार सोमवार को कोचिंग से शाम 6:30 पर ही वो निकली थी और कोचिंग में साथ पढ़ने वाले गोलू कुमार को उसका दोस्त है जो वो साथ में था और गोलू ने ही उसे अपने घर चलने की बात कही। किशोरी मान गई और जल्ला वाले हनुमान मंदिर के पास गोलू के कमरे में चली गई। वहाँ वो रहता था और उसे नहीं मालूम था कि गोलू शातिर दिमाग में कुछ और चल रहा था और जब गोलू और लड़की कमरे में पहले मौजूद थे तभी सभी ने मिलकर दरिंदगी की हद पार करते हुए उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया और उसके बाद लड़की वहां से निकल गई। बाईपास थाना क्षेत्र के शनि मंदिर के पास रात भर पड़ी रही और उसने सारी बातें थाना में लिखित आवेदन के साथ दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर भारत समेत देश की राजधानी दिल्ली में भी सर्दी का सितम बढ़ गया है और उत्तरी राज्य में कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड के और बढ़ने के आसार भी जताए जा रहे हैं। नए साल पर थोड़ी राहत के बाद मंगलवार को फिर से शीतलहर की स्थिति वापस लौट आई है। भारत मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर भारत में बहुत घना कोहरा रहने के आसार है और इसके साथ ही दिन भर ठंड की स्थिति जारी रहने की भी संभावना जताई गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर भारत में अगले 3 दिनों तक शीतलहर की स्थिति जारी रहेगी और उसके बाद धीरे धीरे इसकी तीव्रता में कमी आ सकती है। उत्तर भारत समेत मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है और राज्य के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच है। पंजाब के कई इलाकों में बहुत घना कोहरा रहेगा और इसके अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में भी कोहरा बना रहेगा। दिल्ली में भी घना कोहरा बना रहेगा। राज्य में बुधवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार है। मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय के अलग अलग इलाकों मंगलवार सुबह बारिश हुई है और जिसके कारण ठंड और ज्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से 5-7 जनवरी तक दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी हिस्सों के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने के कारण ठंड और बढ़ सकती है और अगले 5 दिनों के दौरान ही देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। घने कोहरे के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कुछ हवाई अड्डों, राजमार्गों और रेलवे का यातायात प्रभावित हो सकता है, ऐसी जानकारी सामने आई है। और इसके साथ ही विजिबिलिटी कम होने के भी वजह से गाड़ी जो है वो धीमी रफ्तार में चल रही है। आपको बता दें विजिबिलिटी कम होने से
वजह से ही सड़कों पर गाड़ी चालकों का दिक्कत का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि प्रादेशिक मौसम विभाग केंद्र नई दिल्ली के अनुसार 5 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक दिल्ली में शीतलहर चल सकती है और इस दौरान ही न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कोरोना का संक्रमण जिले सहित प्रदेश में अब भी जारी है। मंगलवार को राजधानी रायपुर में एक कोरोना संक्रमित मिला है और इसके साथ ही राजधानी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। इधर दुर्ग में भी संक्रमण बरकरार नजर आ रहा है। दुर्ग में अब भी 2 एक्टिव केस हैं जिनका होम आइसोलेशन में इलाज किया जा रहा है और इसके अलावा कोविड सेंटर को पुनः अपडेट किया गया है ताकि समय रहते मरीजों को सुरक्षित इलाज संभव हो सके। और इस समय ही में एक, धमतरी में एक और गरियाबंद में एक और कांकेर में एक कोरोना मरीज है और इस प्रकार एक्टिव मरीजों की संख्या 10 है। उनका इलाज लगातार जारी है। तो कोरोना को लेकर अब अलर्ट रहने की जरूरत है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कोरोना को लेकर अब मरीज जो है वो 2 एक्टिव केस का इलाज किया जा रहा है दुर्ग में। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राजधानी में कोरोना मरीज फिर से मिल गया है। जिस तरह से कोरोना मरीज अब बढ़ सकते हैं इसको लेकर हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।